हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन 178। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पार्ट फोर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला जिले के बारे में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं संभाग, मध्य प्रदेश के संभाग और जबलपुर जो फर्स्ट जिला था। मतलब हम पढ़ रहे हैं अभी जबलपुर संभाग, और जबलपुर संभाग के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है जबलपुर जिले के बारे में। उसके जो नेक्स्ट जिले हैं छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला, इनके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके अगले वीडियो में हम जो बचे हुए जिले हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत, उन जिलों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हम। जैसे कि हमने जबलपुर संभाग का जो जिला है फर्स्ट जबलपुर, उसके बारे में हमने पढ़ चुका है। तो एक हो गया हमारा, आज हम कर लेंगे इस वीडियो में तीन जिलों को, मतलब टोटल हो जाएंगे हमारे चार, और बचे कितने, चार। और ये चार जिलों को हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। चलिए पहले देखते हैं हम छिंदवाड़ा जिले के बारे में। तो हाँ, अभी हम देख रहे हैं छिंदवाड़ा जिले के बारे में। छिंदवाड़ा जिले हमको पता है कहाँ है, लोकेशन इसकी देखना जरूरी है। तो मध्य प्रदेश में ये कहाँ स्थित है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है छिंदवाड़ा जिला, ये अवेलेबल है। अब इसके मैप के बारे में अगर देखें, इसका जो मैप है इसको बड़ा करके अगर देखा जाए तो इस प्रकार कुछ दिखेगा। तो हमको पता है छिंदवाड़ा जिले में 13 तहसीलें हैं। 13 तहसीलें है तो आपको दिख रही है, यहाँ 12 दिख रही है, पर चौरई के अंतर्गत चांद है, चांद को अलग से तहसील का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार अगर मिलाकर देखा जाए तो 13 तहसीलें टोटल है, पहले कितनी थी, 12 थी। इसके बारे में देखते हैं, तो छिंदवाड़ा जिले की जो जनसंख्या है 20,90,922, और क्षेत्रफल की यदि बात करें तो कितना है, 11,815 वर्ग किलोमीटर, जो सबसे बड़ा जिला माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और साक्षरता कितनी यहाँ पे, 71.2%। लिंगानुपात की बात करें तो 964, मतलब 1,000 जो पुरुष होते हैं उनमें 964 महिला, यहाँ उसी को हम बोलते हैं लिंगानुपात। अब छिंदवाड़ा जिला जो है न दक्षिण मध्य प्रदेश या मध्य भारत के कुलबेहरा की धारा या बोदरी के तट पर स्थित है, और इस समूचे क्षेत्र का सबसे संपन्न और सर्वाधिक आबादी वाला हिस्सा है ये। इस नगर का नामकरण कैसे हुआ, छिंद के जो वृक्ष होते हैं यानी खजूर के जो वृक्ष है उनके नाम पर इस शहर का नाम क्या कर दिया गया है, छिंदवाड़ा कर दिया गया है। बैनगंगा, पेंच और कन्हान नदियाँ इस क्षेत्र को अपवाहित, मतलब जो पानी की सिंचाई के लिए प्रयोग होती है यहाँ से बहती है ये नदियाँ, बैनगंगा, पेंच और कन्हान नदियाँ। और यहाँ की जो मिट्टी है बजरी युक्त है और जल्दी सूखने वाली मिट्टी है यहाँ की। यदि गठन की बात करें इसकी हम, तो छिंदवाड़ा में जो मतलब मिट्टी से निर्मित एक दुर्ग है, जहाँ 1857 के विद्रोह से पहले सेना का शिविर था, और 1867 में क्या हुआ, इस नगर की नगर पालिका का गठन हुआ। अब उद्योग की बात करते हैं, यह रेल और सड़क के महत्वपूर्ण जंक्शन पर बसा हुआ है। जैसे कि हमको पता है यहाँ का जो स्टेशन है, मतलब रेलवे स्टेशन अभी नया बनाया गया है, और इसके इर्द गिर्द के पठारों में कोयला, मैंगनीज, जस्ता, बॉक्साइट और संगमरमर का खनन होता है। कपास का जो व्यापार है और कोयले की ढुलाई इस नगर की मुख्य गतिविधियाँ है। कपास, ओटाई तथा आरा मिले यहाँ के प्रमुख उद्योग है। पठार में व्यापक पैमाने पर पशुपालन होता है। अब ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है संतोषी माता मंदिर, उसका चित्र है। और इसके बाद ये चित्र आपको दिख रहा है यहाँ के जो रेलवे स्टेशन है उसको मॉडिफिकेशन हुआ है, ये मतलब ये न्यू बनाया गया है अभी। उसके बाद बात करते हैं शिक्षण संस्थान की, तो शिक्षण संस्थान यहाँ क्या है, छिंदवाड़ा में सागर और माखनलाल चतुर्वेदी जो विश्वविद्यालय है उनसे संबंध यहाँ महाविद्यालय उपस्थित है। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, उसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, फिर सतपुड़ा लॉ कॉलेज, ये भी सागर यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। उसके बाद गीता वर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एजुकेशन, यहाँ आईटी से संबंधित सारे कोर्सेज होते हैं, ये माखनलाल चतुर्वेदी से संबंध है। और बड़कुई से ठीक पश्चिम उत्तर में एक खनन विद्यालय है यहाँ पे। फिर गोंड वंश की जो पुरानी राजधानी देवगढ़ छिंदवाड़ा नगर के पास ही स्थित है, जैसे कि आपको ये चित्र दिख रहा है देवगढ़ किले का है। अगर उद्योग की बात करते हैं तो एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना राज्य के द्वारा की गई यहाँ पे। टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की गई है किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। रियान इंडस्ट्रीज बस उद्योग है यहाँ पे, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, साबुन फैक्ट्री। उसके बाद देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग इसी जिले में है, और यहाँ कोरकू जनजाति भी पाई जाती है। अब देखें तो कोयले, जो कोयला और तांबा मैंगनीज का उत्पादन भी यहीं पर होता है। अब पर्यटन स्थल की बात करें तो बादल भोई आदिवासी म्यूजियम यहीं पर है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1954 में। जैसे कि यहाँ आपको चित्र में दिख रहा है बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय है। उसके बाद देखते हैं कन्हान नदी पर निर्मित सुंदर जलप्रपात यहाँ देखने लायक है। फिर जो अभी निर्माण मतलब
कार्य प्रगति पे है, मतलब ये माचोगोरा बांध पेंच प्रपर्दन परियोजना ये भी अभी मतलब स्टार्ट तो हो गया है पर उद्घाटन नहीं हुआ है इस बांध का अभी, तो ये आपको चित्र में दिख रहा है। उसके बाद है देवगढ़ का किला, ये गोंड राजाओं की राजधानी का मध्ययुगीन क्षेत्र है। उसके बाद देखते हैं कुकड़ी खापा है, फिर अनहोनी सल्फर युक्त गर्म पानी पहाड़ी या झरना, मतलब यहाँ गर्म पानी का झरना है। नेक्स्ट पर्यटन में यदि देखें तो हम कपूरदा मंदिर है, उसके बाद देखते हैं सिमरिया हनुमान मंदिर। अब सिमरिया हनुमान मंदिर जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये है हनुमान जी की मतलब जो बहुत बड़ी मूर्ति है जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है 101 फीट है। और उसके बाद जामसावली का हनुमान मंदिर, ये भी प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है जैसे कि आपको ये चित्र में दिख रहा है। फिर हिंगलाज माता का मंदिर है, उसके बाद पातालकोट है, यहाँ बहुत मतलब निचला क्षेत्र है बोले तो घाटी से 1500 मीटर नहीं, हाँ 1500 मीटर लगभग नीचे ये क्षेत्र है इसका, तामिया में है पातालकोट में। और यहाँ जो है इसकी सुदूर वन क्षेत्र है, भारिया जनजाति का घर माना जाता है, और यहाँ एक सुरंग है जाती है पचमढ़ी तक, और यहाँ गोंडों का भी निवास है। उसके बाद देखते हैं पातालकोट विकास प्राधिकरण का मुख्यालय भी यहीं है। और एक और चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मेला भरता है जिसे हम बोलते हैं पांडुर्ना में भरता है, ये गोटमार मेला। अब गोटमार मेले में क्या होता है, जैसे आपको ये चित्र दिख रहा है, यहाँ बीच में नदी के उस साइड मतलब सावर गांव है और इस साइड क्या होता है पांडुर्ना गांव, तो दोनों गांव के जो व्यक्ति है यहाँ आते हैं। अब नदी के उस साइड एक गाँव के व्यक्ति, नदी के साइड, और बीच में क्या रहता है एक झंडा गड़ा होता है, उस झंडे को पकड़ने के लिए क्या होता है दोनों तरफ से लोग आते हैं और पत्थर मारते हैं एक दूसरे के ऊपर, उस पत्थर को ही क्या बोलते हैं हम गोटमार मेला बोलते हैं। ये जो रहता है मतलब रक्षाबंधन या पोले के समय जो पोला का त्यौहार होता है उस समय ये मनाया जाता है। और पर्यटन स्थल की बात करें और तो यहाँ भरतादेव है, भरतादेव में ये हमारा क्या है वाटर फिल्टर सिस्टम भी है, सात धारा मटकुली है, सात धारा मटकुली आपको पता है ये दिख रही है यहाँ सात धारा होती है। उसके बाद डोंगरदेव जहाँ मेला भरता है, उसके बाद खेड़ापति माता जो मंदिर है चांदामेटा में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद विशाला जुन्नारदेव अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मोहगांव हवेली में, अचल कुंड है, राजमहल हर्रई में है, और कोकण पाट झंडा मंदिर भी ये भी हर्रई में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो जिला हमारा सिवनी। अब सिवनी जिले की यदि बात करें तो इसकी लोकेशन कहाँ है, छिंदवाड़ा के जस्ट साइड में देखते हैं हम, ये सिवनी जिला है। इसका अगर मैप बड़ा करके देखा जाए तो आपको मैप दिख रहा है, यहाँ 8 तहसीलें हैं। अब इसकी जनसंख्या की यदि बात करें तो जनसंख्या कितनी है 13,79,131, और क्षेत्रफल की यदि बात करें तो 8,758 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता कितनी यहाँ की 72.1%। लिंगानुपात की यदि बात करें तो 982, मतलब 1,000 पुरुषों में 982 महिलाएं यहाँ पे। अब गठन की बात करते हैं, सिवनी जिले का गठन 1 नवंबर 1956 में प्राथमिक रूप से जनजातीय बहुल जिले के रूप में किया गया था, और इसकी जो आकृति है जिले की ये घोड़े की आकृति जैसी है। अब सिवनी जिले का नाम कैसे पड़ा, सिवना नाम के जो वृक्ष है उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। सागौन इस जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है। सिवनी जिला मुख्यालय नागपुर वाराणसी राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे 7 और जबलपुर नागपुर के बीच में स्थित है, मतलब यहाँ से जो है नेशनल हाईवे 7 यहाँ से गुजरता है। और इस जिले को 4 राजस्व सब डिवीजन सिवनी लखनादौन केलारी घनसौर और 8 तहसीलों में बांटा गया है, जैसे कि हमने देख लिया 8 तहसीलें यहाँ पे। अब देखते हैं इसके अंतर्गत तो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, और भैरव थान का मेला भी यहीं पे लगता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया गया है, इसका नाम प्रदर्शनी पार्क है, जैसे कि आपको ये चित्र दिख रहा है मोगली लैंड का। अब कहा जाता है कि जो रुडयार्ड किपलिंग है जिन्होंने जंगल द जंगल बुक लिखा है, वो उन्होंने उनको ये प्रेरणा इसी से मिली थी, इससे और जो कान्हा नेशनल पार्क है इससे उनको प्रेरणा मिली थी, तभी उनने द जंगल बुक लिखा। और कालीमुछ का चावल एवं मावा बाटी के लिए लखनादौन बहुत प्रसिद्ध है। भीमगढ़ बांध भी सिवनी जिले में ही है, जैसे कि आपको ये चित्र में दिख रहा है भीमगढ़ बांध। फिर बैनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ या मिट्टी से बना बांध है। सिवनी हमने देख लिया, नेशनल हाईवे यहाँ से 7 गुजरता है। सिवनी का नामकरण बहुत याद मतलब जो सिवना नाम के वृक्ष है उसके नाम पर पड़ा, वो भी देख ली। और उस वृक्ष से क्या बनती है, ढोलक बनती है। और सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना भी यहीं पे है। प्रथम पीपीपी आधारित मेडिकल कॉलेज सिवनी में प्रस्तावित है। पीपीपी का मतलब, इसका मतलब है दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अनुसार मेडिकल कॉलेज यहाँ का प्रस्तावित है जो बनेगा भविष्य में। नेक्स्ट जिले की अगर बात करें तो नेक्स्ट जिला हमारा है मंडला, और मंडले की अगर लोकेशन देखें हम मध्य प्रदेश में तो कहाँ पे है, सिवनी के जस्ट साइड में आप देख रहे होंगे, यह मंडला जिला है।
अब मंडला जिले का जो मैप है उसको बड़ा करके देखें हम, तो इस प्रकार कुछ देखेगा हमारा मंडला जिला। अब बात करते हैं इसकी जनसंख्या की, तो जनसंख्या कितनी है, 10,54,905, और क्षेत्रफल कितना है, 5,812 किलोमीटर। साक्षरता की बात करें तो 66.9%, और लिंगानुपात कितना है यहाँ का, 1,008, मतलब 1,000 पुरुषों में 1,008 महिलाएं हैं। और अब नेक्स्ट देखते हैं, मंडला जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित एक जिला है, और नर्मदा नदी है उत्तर पश्चिम में बहती है, इस जिले को रीवा से अलग करती है, और नर्मदा की सहायक बंजार नदी की घाटी में जिले का सबसे अधिक उपजाऊ भाग पड़ता है जिसे हवेली कहते हैं। लाख उत्पादन लकड़ी चीरना, पान उगाना, पशुपालन, रस्सिया का निर्माण यहाँ के लोगों के लिए उद्यम, मतलब यहाँ के लोगों प्रसिद्ध उद्योग धंधा बोल सकते हैं। यहाँ के 60% निवासी गौंड जनजाति के हैं। यहाँ मैंगनीज और धातु के निक्षेप है, मतलब उत्पादन होता है। तीन ओर से नर्मदा से घिरा हुआ है, और फुल धातु बोले तो वेल मेटल के पात्रों के लिए विख्यात है। यहाँ गौंड वंश की राजधानी रह चुका है, और देश का एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क मंडला जिले में है, जिसे हम फॉसिल नेशनल पार्क बोलते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जैसे 25 मई 1998 को डिंडोरी से अलग होकर इसे बनाया गया था, मतलब इस जिले का निर्माण कब हुआ है, 25 मई 1998 को। और चुटका में परमाणु विद्युत गृह स्थापित है, यहाँ बेगाचक क्षेत्र यहीं पर है। दो राष्ट्रीय उद्यान वाला बोले तो कान्हा नेशनल पार्क और फॉसिल्स, दो नेशनल पार्क यहाँ पे, और यहाँ फॉसिल्स उद्यान जो है प्रदेश का सबसे छोटा माना जाता है। फिर मोती महल है यहीं पे, शनि मंदिर है, नर्मदा नदी से घिरा हुआ है ये, हमने देखे तीनों तरफ से, और नदियों का द्वीप कहा जाता है इसे। स्वतंत्रता सेनानी जो अवंती बाई है वो यहीं की है, जैसे कि ये देख रहे हैं। तो दोस्तों हमने इसमें क्या पढ़ा, तीन जिलों को पढ़ा है, और इसके पहले जबलपुर जिले को पढ़ा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले वो उस वीडियो को देख लें कि जो जबलपुर जिले के बारे में पढ़े गए हैं, उसके बाद इस वीडियो को देखें। अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम देखेंगे इसके जो जबलपुर संभाग के जो नेक्स्ट जो जिले बचे हैं उन जिलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, यदि वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करें, और डिसलाइक क्यों करें हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल पहले सब्सक्राइब करें ताकि लगातार वीडियो आपको प्राप्त होते रहे, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि आप पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चार वीडियो की लिंक आपको प्राप्त हो रही है, उसे क्लिक करके आप उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।